अस्सलामुअलैकुम। ये है जी यूरो का चार्ट। यूरो इस वक्त 99.17 के आसपास चल रहा है। आज इंट्राडे के लिहाज से यूरो में हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। यूरो में आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 99.50 की। अगर यूरो 99.50 ब्रेक करता है तो 99.80 और 1 डॉलर तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 98.35 की। इसके नीचे ही फ्रेश वीकनेस आएगी 98.10, 97.80 और 97.50 तक की। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से यूरो जो है वो पॉजिटिव जोन में चल रहा है। यह है जी पाउंड 13.55 के आसपास चल रहा है। तो पाउंड में आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। पाउंड में आज हमारी रेजिस्टेंस है 14.22 की। इसके ऊपर 14.50, 14.70 और 1500 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 12.45 की। इसके नीचे आप कह सकते हैं कि फिर फ्रेश वीकनेस आएगी 12.20, 11.80 और 11.50 की। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो पाउंड है वो फ्लैट 2 वीक जोन में चल रहा है। यह है जी यूजे 144.56 के आसपास चल रहा है। काफी दिनों से बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ी रेंज में है। अब देखें जिस साइड पर भी ये रेंज ब्रेक करता है तो उस साइड पर अच्छा मूव आ सकता है। रेजिस्टेंस मोर और लेस सेम ही है। 144.90-45 की हमारी रेजिस्टेंस है। 145 के ऊपर ये 145.30, 145.50 और 145.90 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 143.80 की आज। इसके नीचे फिर 143.50 और 143 की तरफ जा सकता है। यूजे फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से साइडवेज ही चल रहा है। यह है जी एनजेडी यूएसडी 57.90 के आसपास चल रहा है। 58.15 के लो इसने बनाए हैं। तो आज इसमें हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। 98.35 है इसमें आज हमारी रेजिस्टेंस और 57.35 है हमारी सपोर्ट। इंट्राडे के लिहाज से एनजेडी का ट्रेंड है पॉजिटिव। यह है जी सिल्वर 20.80 के आसपास चल रही है। आज इसमें रेजिस्टेंस है हमारी $21.15 की। इसके ऊपर 21.30 और 21.50 तक जा सकती है। सपोर्ट है हमारी आज $20.35। इसके नीचे दोबारा से $20 और 19.80 की तरफ जा सकती है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर भी पॉजिटिव जोन में ही चल रही है। यह है जी यूएस ऑयल तकरीबन 87.75 के आसपास चल रहा है। कल ओपेक ने 2 मिलियन बैरल पर डे डेली की आउटपुट जो है वो कट की है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है ऑयल प्राइसेस के लिए। तो इंट्राडे के लिहाज से आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो है 90.05 की। इसके ऊपर 91.50 और 92.70 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 86 की। इसके नीचे 84.50 और $83 की तरफ दोबारा से जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।